हेलो दोस्तों मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं टेक गाइड तो यहाँ पर से दोस्तों मेरे पास कुछ फोन है जो कि आपको सात हजार से लेकर के दस हजार के बीच में देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे फोन है जो कि ना आपको मतलब दस हजार के नीचे फुल एच भी प्रोवाइड करेगा डिस्प्ले वाइज किसी में आपको बैटरी अच्छा मिलेगा कैमरास किसी के अच्छे हैं किसी के सॉफ्टवेयर आपको अच्छे मिलेंगे तो कौन सा फोन आपके लिए परफेक्ट है अगर आपको जानना है तो ये वीडियो को आप पूरा देख लीजिए मैंने आपके लिए सब अच्छे अच्छे फोन सेलेक्ट किए हैं कुछ नए फोन्स हैं, कुछ पुराने लिस्ट वाले भी हैं क्योंकि यार मतलब फीचर ही कुछ ऐसा है तो हर एक जानकारी आपको मिल जाएगा इसी बात पर लाइक कर दीजिएगा वन लाइक टारगेट है पार करा दीजिएगा तो यहां पर से हमने काफी सारे बेंचमार्क को सेट किया है उसके हिसाब से जो मैंने पहला आपको फोन सजेस्ट करने का सोचा है वो आता है दोस्तों माइक्रोमैक्स के तरफ से इन टू सी हाल ही में फोन लॉन्च हुआ है कीमत इसकी काफी किफायती है साढ़े सात हजार की कीमत में आपको ये फोन देखने को मिलेगा और हाँ यहाँ पर आपको ना स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल रहा है तो इसकी वजह से मैं इस फोन को काफी ज्यादा रिकमेंड कर सकता हूं बाकी इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है सिक्स पॉइंट इंचेस का एक एच डिस्प्ले जहां पर ड्यू ड्रॉप नॉच मिलेगा आठ मेगा का मेन कैमरा पीछे की तरफ मिलता है पांच मेगा फ्रंट में है यूनिसॉक टी सिक्स वन जीरो का प्रोसेसर आपको मिलेगा स्टॉक एंड्रॉइड है पांच हजार एमएच की बैटरी टेन वाट का सपोर्ट आपको मिलेगा और तीन जीबी, बत्तीस जीबी के साथ ये साढ़े सात हजार की कीमत में आपको मिल जाता है तो अगर आपका बजट साढ़े सात हजार के ऊपर नहीं जा सकता है क्लीन एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो इस फोन की तरफ आप जरूर देखिएगा वैसे आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं के बारे में जिन्होंने हेल्प किया है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स को अपने आपको अप स्किल करने में और इसकी हेल्प से कोर इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब क्रैक करने के लिए जिसके लिए अलग अलग वर्कशॉप अलग अलग कोर्सेज लाए गए हैं और लास्ट मंथ जो आपको वर्कशॉप देखने को मिला था उसके अंदर सर्टिफिकेट भी मिला था क्योंकि वो एक सर्टिफाइड वर्कशॉप था जो कि आप देख सकते हैं और इन सर्टिफिकेट को आप अपने सीवी में अपने रिज्यूमे में लिंक प्रोफाइल में एड करके अपने प्रोफाइल को और स्ट्रांग कर सकते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीकेंड भी अन अकेडमी की तरफ से सर्टिफाइड वर्कशॉप कंडक्ट कराया जाएगा बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए तो आईओटी इन ऑटोमोबाइल का वर्कशॉप होगा जहां पर आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि सेंसर्स काम कैसे करते हैं एक्चुएटर काम कैसे करता है इसके अलावा ए किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है हर एक चीज आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जानने को मिलेगा क्योंकि यही कहीं ना कहीं फ्यूचर है बाकी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए तो कॉन्क्लेव फाइव कंडक्ट कराया जा रहा है जहां पर आपको आईओटी डिवाइस के बारे में जानने को मिलेगा और किस तरीके से उसको इंडस्ट्री

हर एक चीज में परफेक्ट ये फोन मेरे हिसाब से हो जाता है और वन ऑफ द बेस्ट हो जाते हैं अंडर टेन थाउजेंड वैसे यहाँ पर सब फीचर्स में आपको बता देता हूँ इस हिन्निक्स के हॉट 11 2022 के बारे में तो 6.7 पॉइंट सेवन इंच का फुल एच डिस्प्ले आपको मिलता है थर्टीन प्लस टू मेगा का मेन कैमरा आपको पीछे की तरफ मिलेगा 8 मेगा आपको डॉट नॉच के अंदर आपको सेल्फी शूटर मिलता है यूनिसॉक्टी सिक्स वन का प्रोसेसर दिया गया है एक्सो एक्स पे ये रन करेगा पाँच हज़ार एम की बैटरी है और बाकी चार जीबी चौसठ जीबी का वेरिएंट आपको 9000 के इंट्रोडक्टरी प्राइस में देखने को मिलेगा तो ओवरऑल देखा जाए ये फोन 9000 के हिसाब से बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाता है वैसे डिस्काउंट ये सब भी तो आपको मिल ही जाते हैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वैसे यार इस फोन को मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में मैंने जितने भी फोन देखा फुल एच डिस्प्ले नहीं दिया जा रहा है और लुक भी यार इसकी काफी अच्छी है ऑलो यहाँ पर थोड़े से जो आपको यू मिलते हैं उसमें हल्का फुल्का आपको नोटिफिकेशन ये सबसे समझौता करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ एक्सओ एक्स तो वो चीज है बाकी मेरे हिसाब से ये फोन अगेन परफेक्ट हो जाता है अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैं जो दो फोन आपको बता रहा हूं डिस्प्ले तेरह मेगा पिक्सल का मेन कैमरा है 5 मेगा पिक्सल का ड्यू ड्रॉप नॉच के अंदर आपको देखने को मिलता है मीडिया टेक जी का प्रोसेसर है एमआईआई पे ये रन करेगा ट्रिपल स्लॉट के साथ माइक्रो एस का पोर्ट मिलेगा तीन जी जीबी का वेरियंट साढ़े की कीमत में को मिलता है अब देखो इस फोन को मैं उन्हीं को रिकमेंड कर सकता हूं जिसको ना एकदम प्रॉपर शाओमी का ही फोन खरीदना है मतलब रेडमी का अगर आपको फोन परचेस करना है

ट्रिपल स्लॉट है और तीन जीबी बत्तीस जीबी का वेरियंट आपको नौ हजार की कीमत में देखने को मिलता है तो ये जो आपको Realme का C31 देखने को मिलता है ये लुक वाइज और साथ ही साथ प्रोसेसर वाइज अच्छा देखने को मिलेगा लेकिन बाकी सारी चीजों को अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं नौ के हिसाब से उतना ज्यादा जस्टिफाई नहीं होता है तो यहां पर से आप अपने हिसाब से देखना अगर आपको रियलमी की ब्रांडिंग अच्छी लगती है रिसेंट फोन अगर आपको चाहिए तो ये सी थर्टी वन डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट रहेगा लुक वाइज के हिसाब से भी मैं आपको बता सकता हूँ बाई दे अगर आप लास्ट ईयर का नार्जो थर्टी ए देखना चाहेंगे तो उसमें आपको और भी बेहतर फीचर मिलेंगे जो कि आप देख सकते हैं जैसे कि जी ए फाइव का प्रोसेसर आपको मिलता है यहाँ पर से जो बैटरी है वो भी बेहतर दिए जा रहे हैं तो ओवरऑल ये फोन भी एकदम मस्त वाला था लेकिन हाँ थोड़ा पुराना जरूर हो गया है ये भी आपको नौ के नीचे देखने को मिल जाता है तो ये एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि रियलमी का ही फोन देखना चाहते हैं बट हां परफॉर्मेंस वाइज ज्यादा आपको अगर फोकस करना है

और अगेन इस फोन को मैंने काफी बार रिकमेंड किया है डायरेक्टली इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं तो आपको मिलता है 6.5 पॉइंट का एक 90 हज वाला डिस्प्ले जो कि अगेन हायर रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा है 48 एट प्लस फाइव प्लस टू प्लस टू मेगा पिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है 8 मेगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा रहा है एक्सिनोस का 850 का प्रोसेसर दिया जाएगा और बाकी यहाँ पर छह हजार की बैटरी पंद्रह वाट का आपको चार्जिंग का सपोर्ट और फोर जीबी सिक्सटी फोर जीबी का वेरिएंट आपको साढ़े नौ हजार की कीमत में देखने को मिल जाता है तो ये जो फोन है दोस्तों ये डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट अगेन हो जाता है अंडर क्योंकि इसमें जो फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं वो काफी सही है वैसे हाँ ये फोन थोड़ा पुराना जरूर हो गया है बट हां अगेन अभी भी इसमें ना बहुत ज्यादा ताकत है लेकिन हाँ इसमें आप बहुत ज्यादा हार्ड गेमिंग नहीं कर सकते तो इस चीज का ध्यान रखिएगा तो अभी तक दोस्तों हमने काफी सारे फोन के बारे में बात किया अब अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको दो फोन रिकमेंड कर सकता हूँ पहला है सैमसंग का जो कि ये वाला है एम अगर आप बोलते हैं F12 तो भी चलेगा कोई बात नहीं यहाँ पर आपको बैटरी ज्यादा मिल रही है यहाँ पर से जो कैमराज मिल रहा है अंडर 10000 बेस्ट रहेगा और ओवरऑल Samsung का थोड़ा भरोसा हो जाता है ना तो इसकी वजह से लोगों को ना मैं रिकमेंड कर सकता हूँ तो ये फोन को आप देख सकते हैं नॉन गेमिंग के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रहने वाला है और जो दूसरा पिक रहेगा दोस्तों वो है यहां पर से इन्फेनिक्स के तरफ से आने वाला अब इस फोन को मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका प्रोसेसर थोड़ा बेहतर है अगर हम बाकी से कंपेयर करते हैं और फुल एच डिस्प्ले आपको मिल रहा है डॉट नॉच दिया गया है ओवरऑल देखा जाए डिजाइन इस फोन का काफी अच्छा है तो ये दो फोन्स मैं रिकमेंड कर सकता हूं वैसे हाँ मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो स्पॉसर्ड नहीं था अगर आप लास्टली कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैंने सोचा चलो आपका हेल्प कर देते हैं वैसे अगर आपका बजट इतना फोन मतलब परचेस करने के लिए अलाउ नहीं करता है साढ़े सात हजार वाले फोन अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं आप उनको